गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विचार करेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक। इसके पहले ऑलरेडी मैंने जो भी आपके पीछे के चैप्टर है 6 चैप्टर बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर करवा दिया है। यदि वह वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं डियर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाला हूँ, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक से आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, टोटल टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। आप प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। मैं इस तरीके से प्रत्येक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक क्वेश्चन को मैक्सिमम आप 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको प्रत्येक क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, व्यंजको x² - 1 x³ + 1 तथा x³ - 1 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये आपको बताना है। लघुत्तम समापवर्तक क्या है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करना है। x³ का 1 है और दे रखा है x² आप कर लेना x² - का 1, फिर x³ का 1, फिर है आपका x³ - का 1। इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। ये आपका a² - का b² के रूप में है, क्योंकि हम x² को x² लिख सकते हैं, 1 को हम 1² लिख सकते हैं। वहीं पर हम बात करें x³ + 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं x³ + 1 का होल क्यूब के रूप में, इसको भी हम लिख सकते हैं x³ - का 1 का होल क्यूब के रूप में। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आप a² - b² का फार्मूला लगा दो, तो a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रेकेट में a - b और एक ब्रेकेट में आपका हो जाएगा a+b। अब यहाँ पर देखो a³ का b³ के रूप में, a³ का b³ के रूप में है, तो a³ + b³ बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - का a * b, यानी कि x आ जाएगा। अब बात करते हैं x³ - का 1 का क्यूब है, यानी a³ - का b³ के रूप में, तो a³ - b³ को क्या लिख सकते हो, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a² + b² का a²। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होगा उसको हम लेंगे, उसके अलावा जो वैल्यू बचेगी उसको भी हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले कॉमन क्या है, x - 1 यहाँ पर भी है, x - 1 यहाँ पर भी है, तो x- का 1 नोट कर लो, x+1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x+1 नोट कर लो। अब बच क्या रहा है, आपका मिल रहा है x² + 1 - का x, और बच रहा है x² + 1 + का। अब देखो x- का 1 और x² + 1 + f, यानी a- का भी a² + b² + a भी हम क्या लिख सकते हैं, a³ - b³ के रूप में, यानी हम इसको लिख सकते हैं x³ - का 1 के रूप में। यहाँ पर देखो a+b a² + b² - का ab के रूप में है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a³ + b³ के रूप में,
यानी एक्स क्यूब प्लस का एक हो जाएगा। तो देखो एक ब्रेकेट में आपका क्या है a माइनस का b और दूसरे ब्रेकेट में आपका क्या है a प्लस का b। तो एक ब्रेकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रेकेट में a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस एक का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स पावर सिक्स माइनस का एक, यही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया है डियर स्टूडेंट, आपको 100% समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को देखते जाना डियर स्टूडेंट, किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर टू आप ध्यान से देखिएगा, बोला है यदि व्यंजक को x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा x स्क्वायर माइनस x माइनस a का महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 है तो a का मान बताओ, तो a का मान बताओ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर टू ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 और दे रखा है x स्क्वायर माइनस x माइनस a, x स्क्वायर माइनस x माइनस a, इन दोनों का जो महत्तम समापवर्तक है वो आपको दे रखा है डियर स्टूडेंट x प्लस 2 है। मौसम क्या दे रखा है, मौसम दे रखा है इन दोनों का डियर स्टूडेंट वो आपको दे रखा है x प्लस का 2। तो आपको a की वैल्यू बताना है। तो देखो इन दोनों व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक x प्लस 2 का मतलब क्या है, x प्लस 2 आपको इस व्यंजक में भी मिलेगा और x प्लस 2 आपको इस व्यंजक में मिलेगा, तभी तो महत्तम समापवर्तक आपका x प्लस 2 है। महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि जो दोनों में कॉमन हो वो आपका मौसम होता है, जो दोनों वैल्यू में कॉमन हो वो आपका मौसम होता है, यानी x प्लस 2 जो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में भी होगा और x स्क्वायर माइनस x माइनस a में भी होगा, तभी तो मौसम है। अब देखो x प्लस 2 बराबर 0 लिख दो तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो माइनस का 2, x बराबर माइनस 2 हम इस समीकरण में रख देते हैं, हमको a की वैल्यू चाहिए, x बराबर माइनस 2 रखोगे माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस, अब माइनस प्लस हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का a बराबर 0, तो यहाँ से a बराबर आपको मिल जाएगा 6। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देख सकते हो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यदि आपको बेसिक से कांसेप्ट अच्छी तरीके से पता है। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन के कांसेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से देखिएगा, बोला है x³ - a तथा x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 का मौसम क्या होगा कि आपको बताना। बिल्कुल सिंपल सा एक ही क्वेश्चन है, x क्यूब माइनस का 1 और x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा कि आपको बताना। तो ध्यान से देखना, x क्यूब माइनस 1 यानी a क्यूब माइनस का b क्यूब के रूप में, a क्यूब माइनस का b क्यूब के रूप में है जिसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a क्यूब। अब हम बात करते हैं x का पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस a क्यूब, तो x का पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, a को हम क्या लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर, यानी हमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। अब हमको चाहिए क्या, प्लस का 2 ये भी, तो देखो 2 a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू a, तो यहां पर देखो क्या है 2x स्क्वायर हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में केवल x स्क्वायर है, यहां पर आपका 2x स्क्वायर हो रहा है लेकिन क्वेश्चन में केवल x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे माइनस का x स्क्वायर कर देंगे। अब देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो आपको x स्क्वायर मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया है, देखो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो पुनः x स्क्वायर आ जाएगा, यानी इस वाली वैल्यू को आप सॉल्व कीजिएगा तो पुनः आपका यही आ जाएगा। मैंने ऐसा नहीं किया है कि केवल x स्क्वायर जोड़ दिया है,
यहाँ पर यदि मैंने एक्स स्क्वायर जोड़ा भी है तो घटाया भी है, यानी आप जो जोड़ेंगे उसको घटाना भी पड़ेगा, जिससे आपके क्वेश्चन पर किसी भी प्रभाव का इफेक्ट ना पड़े। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखो एक्स पे स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो फार्मूला का रूप आ गया तो डायरेक्ट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर के रूप में, अब माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर भी तोड़ सकते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के रूप में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स एक ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस का x। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में केवल और केवल कॉमन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एफ। इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्वेश्चन नंबर थ्री का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट आपको सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर फोर को भी मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर है आपका डियर स्टूडेंट, तीन बट्टे चार पाँच बट्टे छः तथा पाँच बट्टे आठ का मौसम क्या होगा, तीन बटे चार पांच बटे छह तथा पांच बटे आठ का मौसम क्या होगा ए आपको बताना है। तीन बटे चार और है आपका पांच बटे छह और है आपका पांच बटे आठ, इन तीनों का मौसम क्या होगा ए आपको बताना है। तो कभी भी यदि आपका भिन्न टाइप का दे दिया हो उसका मौसम पूछा जाए तो ध्यान से देखा, सिंगल सा फार्मूला आपको ध्यान रखना है, भिन्नों का मौसम बराबर, भिन्नों का मौसम बराबर होता है आपका अंशों का मौसम, क्या होता है अंशों का मौसम डिवाइडेड बाय आपका होता है हरों का लौसम, हरों का लौसम, ये आपका फार्मूला होता है। कभी भी यदि आपका भिन्नों का मौसम पूछा जाए तो अंशों का मौसम डिवाइडेड बाय हरों का लौसम, आपके दिमाग में ये डाउट बन रहा होगा यदि हमको भिन्नों का लौसा निकालना हो तो क्या करेंगे, यदि भिन्नों का लौसा निकालना हो तो आपको अंशों का लौसा डिवाइडेड बाय हरों का मौसा निकालना है, यानी यदि आपको मौसा निकालना है तो अंशों का मौसा डिवाइडेड बाय हरों का मौसा आएगा, लेकिन यदि आपको लौसा निकालना है तो अंशों का लौसा डिवाइडेड बाय हरों का मौसा आएगा, बिल्कुल सिंपल से काम करते हैं। अब देखो तीन पांच पांच का मौसम क्या होगा एक होगा और हरों का मौसम तो चार छह और आठ का लगभग मौसम निकालोगे तो चौबीस आया, यही आपका आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने है, तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर पांच को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच आपका इस प्रकार से पूछा गया है x प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार और एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस बारह एक्स प्लस एट का लॉसम क्या होगा ए आपको बताना, ध्यान से देखना x प्लस टू है एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस का चार और एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस है बारह, लॉसम आपको निकालना है। तो ध्यान से देखना ए आपका तो इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ए आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाओ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर को हम क्या लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, फोर को हम लिख सकते हैं टू का होल स्क्वायर प्लस का टू ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू टू कर दो, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के रूप में होगा, यहाँ पर दो दूना चार एक्स भी है, दो का स्क्वायर चार हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि यह जो वैल्यू है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर के रूप में है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इस वाली वैल्यू को, देखो एक्स क्यू है ना इसको आप एक्स का होल क्यूब लिख दो आठ और उसके बाद से यहाँ पर एक चीज
जो देख रहे हैं थोड़ा सा स्क्रीन पर 12x+8 है, इसको आप सही कर लेना, 12x+8 है, ठीक है, मैंने सही कर दिया। अब देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब प्लस का 3, a की वैल्यू आपका x ले ले और b की वैल्यू 2 ले ले, तो 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 2। यदि इन सब का मल्टीप्लाई करने पर आपका 6x² प्लस का 12x के बराबर आ जाता है, तो आपका कौन सा फार्मूला जनरेट हो जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब। तो देखो x का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब करोगे 8 हो जाएगा, 2 3 6x का x में करोगे तो 6x² बन जा रहा है, और 2 3 6x का 2 में करोगे तो 12x बन जा रहा है। यानी कि यह जो टोटल वैल्यू आपका दी गई है किस रूप में दी गई है, यह टोटल वैल्यू आपका a प्लस b का होल क्यूब के रूप में दी गई है। यह जो टोटल वैल्यू है a प्लस b का होल क्यूब के रूप में, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको x+2 का होल स्क्वायर x+2 का होल क्यूब का लसा निकालना है। तो लॉसा क्या होगा, हाईएस्ट नंबर होता है, तो लॉसा आपका x+2 का होल क्यूब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी, आप ध्यान से देखिएगा, क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे आप सॉल्व करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे इस प्रकार से पूछा गया है, 4 घंटियां 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, वे चारों 12 बजे इकट्ठा बजना प्रारंभ करती है, किस समय से फिर वह इकट्ठा बजेगी ये आपको बताना है। 4 घंटियां हैं क्योंकि 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो यह पूछा जा रहा है यदि वे पहली बार 12 बजे एक साथ बजी हो तो दोबारा एक साथ कितने बजे बजेगी ये आपको बताना है। तो कभी भी यदि आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा आपको लॉसा निकालना होता है, हमेशा आपको लॉसा निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 6 8 और 14 का लॉसा निकालना, 4 6 8 और 14 का लॉसा निकालना। देखो 2 2 4 इस तरीके से लॉसर क्या आ जाएगा, 2 2 4 8 24 24 सत्ती 168 होता है, ठीक है, यानी 169 सेकेंड लॉस आ गया। तो पहली बार तो वो 12 बजे बजी थी, अब हम 169 सेकेंड को मिनट और सेकेंड में चेंज करेंगे तो 169 सेकेंड में कितने मिनट होंगे, 2 मिनट तो हो जाएगा आपका 120 सेकेंड निकलने के बाद कितना मिलेगा, 48 सेकेंड बचेगा। 169 सेकेंड टोटल है तो 2 मिनट यानी 120 सेकेंड पूरा हो गए, बचेगा 48 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 48 सेकेंड के बराबर 169। तो दूसरी बार 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर बचेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। बोला है कि माना स्मॉल ए तथा स्मॉल बी दो व्यंजक हैं, जिनके लॉसर तथा मॉसर कैपिटल ए तथा कैपिटल बी हैं। यदि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बराबर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो लॉसा गुणे मौसा होता है वो व्यंजकों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि लॉसा गुणे मौसा बराबर व्यंजकों का गुणनफल, या ऐसे समझ लो यदि दो नॉन नंबर दिए गए हैं तो दोनों नंबरों का जो लॉसा गुणे मौसा होगा ना वो दोनों व्यंजकों के या दोनों नंबरों के गुणनफल के बराबर होता है, इस बात में कोई शक नहीं है,
तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है दो व्यंजक स्मॉल ए और स्मॉल बी है, जिनके लौसा तथा मौसा कैपिटल ए तथा कैपिटल बी है। तो आपको स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी बराबर कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी की वैल्यू क्या होती है आपको बताना है। स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, यदि दो नंबर मैं ले लेता हूँ आपका तीन और चार, समझना, तो इनका यदि मैं मौसम की बात करें तो क्या आएगा, मौसम तो आएगा एक, लौसा क्या आएगा, लौसा आएगा आपका बारह, ठीक है, क्योंकि कामन कुछ नहीं है। अब देखो मैंने बोला है कि लौसा गुणे मौसम यानी एलसीएम गुणे एचसीएम बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर होता है। तो एलसीएम आपका है बारह, एचसीएफ आपका एक है, पहला नंबर तीन है और दूसरा नंबर चार है, तो देखो बारह बराबर बारह आना, यानी कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर के बराबर होता है। एक क्लियर आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो पहला नंबर ए दिया है, दूसरा नंबर ए और लौसा आपका ए मौसा ए, तो सबसे पहले आप दोनों पक्षों का वर्ग करो, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए, यहाँ पर भी मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर लौसा गुणे मौसा, सही है ना, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर बराबर लौसा गुणे मौसा के रूप में है, यानी यह वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो सकती है क्योंकि दोनों व्यंजकों का जो गुणनफल होता है लौसा गुणे मौसा के बराबर होता है, यानी इस वाली वैल्यू को हम इस वैल्यू से काट सकते हैं, तो आपको फाइनली मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कैपिटल आप ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये भी आपका राइट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर सात का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर सात का बिल्कुल राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आठ भी है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर आठ को आप सेट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखना लिए क्वेश्चन नंबर आठ को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए कैसे लिखा है, बोला है एक स्कूल में 391 लड़कों एवं 323 लड़कियों को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया है, ताकि छात्रों की कक्षाओं की संख्या छात्राओं की कक्षाओं की संख्या के समान हो, तो प्रत्येक कक्षा में छात्रों व छात्राओं की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि किसी स्कूल में 391 लड़के और आपका 323 लड़कियां, कितना जो बॉयज की संख्या है 391 है और जो गर्ल्स की संख्या है वो आपका 323 है, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है यदि कक्षाओं की संख्या समान रखते, यदि हम नंबर ऑफ रूम्स की संख्या समान रखते तो एक रूम में कितने लड़के बैठेंगे और एक रूम में कितनी लड़कियां बैठेंगी, यानी कि यदि हम पांच रूम लड़कियों के लिए देते हैं तो पांच रूम हम लड़कों के लिए भी देते हैं, तो आपको यह बताना है कि प्रत्येक रूम में कितने लड़के बैठेंगे और प्रत्येक रूम में कितनी लड़कियां बैठेंगी, जबकि लड़के और लड़कियों की जो क्लास की संख्या है, जो रूम की संख्या है, जो कक्षाओं की संख्या है वो आपका समान है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपसे कभी भी पूछा जाता है तो हमेशा आपको मौसम निकालना होता है, कभी भी यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मौसम निकालना होता है। यहाँ पर आपका कक्षाओं की संख्या समान है, रूम्स की संख्या समान है, तो आपको बताना है एक रूम में कितने लड़के बैठेंगे और एक रूम में कितनी लड़कियां बैठेंगी। तो यहाँ पर देखो किससे कटेगा, तीन से तो कटेगा नहीं, पाँच से नहीं कटेगा, सात से भी नहीं कटेगा, सीधे हम आ जाते हैं तेरह से। तो देखो तेरह से जब काटोगे तो क्या मिलेगा, तेरह से नहीं कटेगा, सत्रह से आ जाओ, तो देखो सत्रह दुना चौंतीस, सत्रह दुनिया इक्यावन होता है, फिर सत्रह एकम सत्रह, ठीक है, बचे पंद्रह तीन 153, यानी कि सत्रह नवा 153, यानी कि आपको समझ में आ गया कि एक रूम में जो लड़के बैठेंगे वो आपका 23 बैठेंगे, एक रूम में 23 लड़के बैठेंगे और एक रूम में 19 लड़कियां बैठेंगी,
और यदि हम कक्षाओं की संख्या समान रखेंगे तो एक रूम में हमको 23 लड़के बैठाना पड़ेगा और एक रूम में 19 लड़कियां बैठाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी कक्षाओं की संख्या कितनी है, तो कक्षाओं की संख्या आपका 17 है जो दोनों में ही काम है। कक्षाओं की संख्या आपका 17 है जो दोनों में ही काम है, यानी एक रूम में हमको लड़के 23 और लड़कियां 19 बैठाना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल शानदार तरीके से लिए स्टूडेंट। सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, डियर स्टूडेंट, यंग का वह न्यूनतम मान जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 तथा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस nx माइनस 3 के महत्तम समापवर्तक में x सम्मिलित है, ये आपको बताना है। महत्तम समापवर्तक में x सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको x की वैल्यू चाहिए, तभी मैं साफ कर सकता हूँ। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है। यहाँ से हम यन के x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालने के बाद वही x की वैल्यू हम दिए गए नंबर x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस nx माइनस 3 में रखेंगे तो हमको n में कितनी बार x सम्मिलित है पता चल जाएगा। तो इसका फैक्टर कर लो द्विघात समीकरण से, 4 * 4 4 में से 1 जाएगा 3, यानी x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस x माइनस का 4 बराबर 0, तो मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस का 4 है प्लस x माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x माइनस का 4, इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन है तो x माइनस का 4 बराबर 0। x माइनस 4 एक जगह होगा और x प्लस का 1 एक जगह होगा। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव आएगा जो कि लेना नहीं है, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो निगेटिव आएगा जो कि लेना नहीं है, और यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर आपको 4 मिल जाएगा। अब समीकरण आपको दे रखा है x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस nx माइनस का 3। अब यहां पर आप x की वैल्यू रख दो, x बराबर 4 रखोगे तो 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16, आप 16 दूना कितना हो जाएगा 32, माइनस का 4n होगा, माइनस का 4n होगा माइनस का। अब देखो 64 में से 32 घटाओगे तो मिलेगा क्या 32, अब 32 में से 3 घटाओगे तो क्या मिलेगा 29, यानी कि माइनस का 4n बराबर माइनस का 29 मिलेगा। ए माइनस माइनस पक्का में तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगा 29 बटे का 4, n की जो वैल्यू मिलेगी 29 बटे 4 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी था। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन अक्सर आपकी एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, मैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से है, कोई संख्या जिसे 5 6 7 तथा 8 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु 9 से भाग देने पर कुछ नहीं शेष बचता है, तो आपको वह संख्या बताना है। क्वेश्चन में ऐसा बोला जा रहा है कि कोई संख्या जिसे 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, लेकिन यदि हम 9 से भाग देते हैं तो कोई शेष नहीं बचता, ये आपको बताना है। तो कभी भी यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो हमेशा आपको लॉसा निकालना होता है। अब आपको सोचना ये है कि लॉसा किसका निकालेंगे, तो लॉसा आप 5 6 7 8 का निकालो, 5 6 7 8 का लॉसा निकालते हैं तो शेष पर कितना देता है, 3 शेष पर देता है ना, तो 5 6 7 8 का लॉसा निकाल के उसमें 3 जोड़ दोगे तो आपका आंसर। लेकिन यही तक नहीं रुकना है, इस क्वेश्चन में कंडीशन बना रखा है कि यदि हम 9 से भाग देते हैं तो कुछ भी शेष पर नहीं बचता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले 5 6 7 8 का लॉसा निकाल लो, 5 6 7 और 8 का लॉसा निकाल,
देखो दो ये पाँच, दो तीन छः सात, दो चौका दो तीन चार सात, तीन पाँच, दो एक कम दो सात, तीन पाँच, तीन से काटो तीन एकम तीन पाँच सात एक, पाँच से काटो एक एक सात एक, सात से काटो तो ये आपका है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखो लॉसा कितना आ रहा है, दो दूना चार दूना आठ तीन चौबीस, और चौबीस बच्चे कितना होता है एक सौ बीस, और एक सौ बीस पूरे साथ में होगी तो बारह सौ चौरासी यानी आठ सौ चालीस आपका आ रहा है। इसका लॉसा कितना आ गया आठ सौ चालीस आ रहा है। बोला है कि जब पाँच छः सात आठ से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक दशा में तीन से इसको बचता है, तो मैंने क्या बताया कि इन चारों नंबरों का लॉसा निकाल के जो शेषफल आता है उसको जोड़ दो, तो 840 प्लस 3 कितना होगा 843। लेकिन कंडीशन ये है कि जो आपका यह नंबर है 9 से विभाजित करने पर कुछ भी शेषफल ना बचता है। देखो 9 से विभाजित होगा ना, 981 बचेगा आपका 3 दिन नहीं करेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम लोग डीएलसी में 840 एक्स प्लस 3 का लगाएंगे, यानी कि 840 x plus 3 यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, यानी कि जहाँ पर हमारा नंबर पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक पर तो मैंने देख लिया, यदि x बराबर हम 2 मान लेते हैं तो क्या होगा 840 बुढ़े 2 प्लस का 3 बराबर 0। देखो 840 बुढ़े 2 आपका होगा 1680, और 1680 में 3 जोड़ोगे तो 1683। यदि आपका 1683 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, यदि आपका 1683 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो आपका आंसर ये भी होगा। यदि नहीं होता है तो क्या होगा, तो x की वैल्यू जैसे मैंने 2 रखा है, फिर मैं 3 रख के देखता, फिर मैं 4 रख के देखता, फिर मैं 5 रख के देखता, तो देख लेते हैं या 9 से विभाजित है कि 9, तो 9 एक कम 9 बचेगा आपका 7 8 9 8 72 6 3 9 7 63, यानी कि जो आपका 1683 है 9 से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो आपका 1683 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका 1683 होगा। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी यदि आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। कभी कभी आपको यही तक पूछ लिया जाता है कि 5 6 7 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल देखा जाता है तो संख्या बताओ, तो सीधे आपको इन चारों नंबर का लॉसा निकाल के आपको शेषफल जोड़ देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि एग्जामिनर थोड़ा सा घुमाना चाहेगा तो क्या बोलेगा कि इस संख्या से विभाजित करने पर कुछ शेषफल नहीं लगता है, तो यह कांसेप्ट आपको लगा लेना है, x के जिस वैल्यू पर आपका नंबर से डिस्पाई हो जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में डीएल स्टूडेंट मैंने आपको बताया है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक बेसिक कांसेप्ट के साथ साथ 10 क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन होगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है डीएल स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल कोडिंग स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं डीएल स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।